रुक करते हैं प्रदेश की ओर। 22 अक्टूबर 1963 को देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना भाखड़ा बांध निर्माण ने जहां देश को बिजली उपलब्ध करवाने में अहम भूमिका अदा की है, तो वहीं भाखड़ा बांध निर्माण के चलते पुराना बिलासपुर शहर झील की जद में आने से डूब गया था, जिसके बाद नए शहर का पुनः बसाव किया गया है। 22 अक्टूबर 1963 को देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना भाखड़ा बांध निर्माण ने जहां देश को बिजली उपलब्ध करवाने में अहम भूमिका अदा की है, तो वहीं भाखड़ा बांध निर्माण के चलते पुराना बिलासपुर शहर झील की जद में आने से डूब गया था, जिसके बाद नए शहर का पुनः बसाव किया गया। वहीं बिलासपुर की खूबसूरती को चार चांद लगाने वाला गोविंद सागर झील दूर दराज के ग्रामीण इलाकों के लोगों को बिलासपुर शहर तक पहुँचाने का एक जरिया भी है, जिसके माध्यम से ऋषिकेश, बड़ोल, थवाण और बैनागढ़ सहित 8 पंचायतों के ग्रामीण व स्कूली छात्र मोटर बोट के जरिए बिलासपुर पहुंचते हैं। मगर बही झील का जलस्तर हर साल फरवरी से जुलाई माह तेजी से गिरता हुआ चारों तरफ फैले खाली मैदान के रूप में दिखाई पड़ता है, जिसका सीधा असर झील पार रहने वाले सैकड़ों लोगों पर पड़ता है। जी हाँ, गोविंद सागर झील का जलस्तर अब काफी तेजी से घटने लगा है, जिसका उदाहरण झील के किनारे ये दलदली मिट्टी है, जहां से बड़ी मुश्किल से ग्रामीणों को बिलासपुर तक आना जाना पड़ता है। गौरतलब है कि झील का जलस्तर घटने की वजह से अब ग्रामीण व स्कूली छात्र महज कुछ ही दूरी तक झील पर मोटर बोट से सफर तय कर पाते हैं, जिसके बाद उन्हें बिलासपुर तक आने जाने के लिए लगभग 10 किलोमीटर से अधिक सफर पैदल ही तय करना पड़ता है। गौरतलब है कि 23 मार्च 2007 को पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा अपने कार्यकाल में बैरी दड़ोला पुल की आधारशिला रखी गई थी। बावजूद इसके कई सरकारें बदली, मगर पुल निर्माण की तरफ से किसी का भी ध्यान नहीं गया। और कृत्रिम झील निर्माण की बात करें तो ये दावे भी मात्र कागजी ही साबित हुए हैं। ऐसे में अगले महीने यानी मार्च में बोर्ड की परीक्षाएं हैं और गोविंद सागर झील के उस पार ग्रामीण इलाकों में रहने वाले स्कूली छात्रों को बिलासपुर शहर के प्रतिष्ठित स्कूलों तक पहुंचने में खासी दिक्कत या फिर देरी का सामना करना पड़ सकता है। अब देखना यह होगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस समस्या के निदान के लिए आखिर कब तक उचित कदम उठाते हैं, या फिर झील पार रहने वाले लोगों को आने वाले समय में भी इसी तरह की समस्याओं से जूझना पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बजाय अगर बैरी दड़ोला में जो ब्रिज डाला जाए और सस्पेंशन टाइप रोप वे ब्रिज हो, जिससे ट्रैफिक काम ट्रैफिक भी चले, जिससे पारली जितनी जनता है इनको जो है काफ़ी फायदा होगा। और यहाँ से तो पॉसिबल है नहीं, वैसे बड़ी दिक्कत आती है यहाँ और बड़ा रिस्की है यहाँ, देखो कीचड़ में चलना। अब गवर्नमेंट ने तो बनाया कि फेरी के लिए थोड़ा थोड़ा वो किया हुआ, पर लेकिन हर जगह नहीं है वो, वहाँ होता है थोड़ा सा, फिर वो कीचड़ आता है तो उसमें जो है मलिए वेट हो जाता सारा काम। तो ये पुल की जो डिमांड है, एक बड़े साल पहले उद्घाटन भी वीरभद्र जी ने किया था, शिलान्यास किया था, वो उसके बाद कुछ नहीं, ईंट भी नहीं जोड़ी। तो सरकारें हैं, आती हैं जाती हैं, लेकिन प्रॉपर वो कोई ध्यान नहीं देता। वैसे कांग्रेस के टाइम जो है बैरी दड़ोला जो पुल है, इसका शिलान्यास रखा गया था, लेकिन वो पुल आज तक नहीं बना। अगर ये पुल बन जाता है तो हमारे बच्चों को बहुत फैसिलिटी होगी। सुबह के टाइम जैसे वो आते हैं स्कूल, लेट पहुँचते हैं, शाम के टाइम जो है जब घर वापस होते हैं तो भी उनको देर हो जाती है, क्योंकि गर्मियों के दिनों में जो है यहाँ 3-4 किलोमीटर चलना पड़ता है। जो बैरी दड़ोला के जो नाव है उन दिनों में बंद हो जाती है, उन बच्चों को भी इस साइड से ऋषिकेश वाले घाट पर से जो है पार आना पड़ता है। इसलिए जो है अगर ये बन जाता तो बच्चों को ज़्यादा फैसिलिटी होती। सरकार से अपील है कि वो इस काम की तरफ जो है ध्यान दे, और जो रोज़ के डेली रूटीन के आदमी आने वाले हैं उनको भी मुश्किल होती है, वो भी लेट पहुँचते हैं, सुबह के टाइम भी दिक्कत होती है, कई बार जो है जब पानी जो है ढीले पड़ती हैं तब भी उनको दिक्कत होती है, बोट वगैरह जो है अच्छे ढंग से नहीं चल पाते, कई बार उनको ऊपर से जाना पड़ता है भी। इसलिए सरकार से अपील है कि इसकी तरफ ध्यान दें और लोगों की फैसिलिटी जो बनाएं। दिक्कत गर्मियों में आती है सर, क्योंकि पूरा संडू चलना पड़ता है और ज़्यादातर जब पानी उतरने लगता है तो बहू बेटियां जो भी है ना, जिस स्कूल के जो बच्चे हैं वो, उनको ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ती है। किस तरह की दिक्कत फेस करनी पड़ती है आपको? सिलेंडर है ना जी, सिलेंडर, तो इसमें कई बार बच्चे खूब जाते हैं, कुछ होता है, बारिश में कई लोग गिर जाते हैं फिसलन की वजह से। तो हम चाहते हैं कि अगर पुल पड़ जाए, अगर यहीं पड़ जाए तो ठीक है, अगर बैरी उसका दड़ोला का भी पड़ जाए तो भी ठीक है। सरकार से ये मांग करते हैं कि सरकार इस समस्या को जल्दी से जल्दी सुलझाए।